हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लास एर्थ साइंस चैप्टर फोर पार्ट वन विच इज मेटल्स मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर फोर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल सो लेट स्टार्ट फर्स्ट फोर मटेरियल व्हाट इज मटेरियल मटेरियल क्या है ए सब्सटेंस दैट कैन बी यूज फॉर मेकिंग और डूइंग समथिंग इज कॉल्ड मटेरियल वह सब्सटेंस जिसका यूज हम किसी पदार्थ को या किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए करते हैं मटेरियल कहलाता है मटेरियल इज जनरली मे बी सॉलिड मे बी लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल आर डिवाइडेड इन टू टू मेजर ग्रुप विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु और अधातु आपने अपने घरों में बहुत सारे मेटल्स को देखा होगा लाइक आयरन कॉपर एल्यूमिनियम दीज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी देखा होगा लाइक कॉल प्लास्टिक एक्सेट्रा दीज आर नॉन मेटल नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लेट्स सी फर्स्ट इज हार्ड

यदि मरकरी अर्थ पर गिर जाती है तो उसे कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है बट हैव यू सीन इन कॉपर दीज आर वेरी हार्ड सिमिलरली हैव यू सीन कोल इट इज नॉन मेटल एंड इट इज नॉट वेरी हार्ड ओके नाउ सेकेंड इज लस्टरस दैट मीन्स चमकीला जितने भी मेटल होते हैं वे लस्टरस होते हैं ल्वर गोल्ड कॉपर एक्सेट्रा एंड जो नॉन मेटल होते हैं जैसे कॉल प्लास्टिक दीज आर नॉन लस्टर नॉ मैलिएबल वॉट इज द मीनिंग ऑफ मैलिएबल दैट मीन्स उसको हीट करके पिघाला जा सकता है और उसे किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो इसे हम मेलिएबल कहते हैं देन नेक्स्ट इज डटाइलिटी वॉट इज डकटाइलिटी डकटाइलिटी मीन्स मेटल को मेल्ट किया जा सकता है और हैमर से बिटर्न किया जा सकता है और उसको वायर या पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल कॉपर कॉपर की शीट भी होती है और उसके वायर्स भी बनाए जाते हैं तो ये क्या होती है डकटाइलिटी होती है इनको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है नेक्स्ट है सोनोरस सोनोरस मीन्स उसमें आवाज आना मेटल जितने भी होते हैं दे कैन प्रोड्यूस्ड साउंड जब ये आपस में टकराते हैं या इसको किसी अनदर ऑब्जेक्ट से बीट किया जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस्ड करते हैं बट जो नॉन मेटल्स होती है वो ऐसा नहीं करती है उनको बीट किया जाता है तो वो सडनली ब्रेक डाउन हो जाती है ठीक है जो नॉन मेट मेटल्स होती है जैसे कॉल सल्फर प्लास्टिक यदि इनको हम हैमर से बीट करते हैं तो क्या होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं नाउ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जितने भी मेटल्स होते हैं वे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं जैसे कॉपर आयरन एल्यूमिनियम ओके बट जो नॉन मीटल मेटल्स होते हैं वे बैड कंडक्टर होते हैं जैसे कोल सल्फर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं ये ये इंसुलेटर्स होते हैं ओके सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड Non-metal. Now moving on, appearance of hardness of metals. Here you can see a table. In this tables, appearance and hardness of metals are shown. जो भी object या material है, उसको देखकर हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? उसको identify कैसे कर सकते हैं कि वो metal है या non-metal है? So first is iron. यह देखने में कैसा लग रहा है शाइनी है एंड इसको अगर छूते हैं तो वो हार्ड लगता है इट मीनस यह मेटल है सिमिलरली कोल कोल देखने में कैसा लग लगता है डल लगता है और इसको छूते हैं तो वो ज्यादा हार्ड नहीं होता इट इज नॉट वेरी हार्ड सो इट इज नॉन मेटल देन सल्फर सल्फर भी क्या होता है डल होता है और इसको छूने पे वो ज़्यादा हार्ड महसूस नहीं होता है तो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड इट इज़ नॉन मेटल देन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो होता है वो लस्टरस होता है शाइनी होता है इसको बीट करके उसकी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको छूने पर ये हार्ड लगता है इसलिए ये मेटल से फिर कॉपर कॉपर भी क्या होता है शाइनी होता है लस्टरस होता है और इसको भी बिटेन करके उसको शीट में और वायर में कन्वर्ट कह सकता है और यह बहुत ही हार्ड होता है इसलिए ये मेटल्स की कैटेगरी में आता है सो दीज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाउ मूविंग ऑन मेलिएबिलिटी वट इज मैलिएबिलिटी किसी भी मटेरियल को हीट करके उसको मेल्ट करके बीट करके शीट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है मैलिएबिलिटी कहलाता है आपने देखा होगा कि मेटल का यूज मैनी पर्पज के लिए किया जाता है लाइक सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स जो मिठाइयाँ होती हैं उन पर सिल्वर फॉइल की परत चढ़ाई जाती है जिसे बर्क भी कहते हैं सिमिलरली एल्यूमिनियम का यूज भी आपने अपने घरों में देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड हम जो टिफिन में या लंच बॉक्स में जो फूड लेके आते हैं उसको सिल्वर फॉइल में रैप करके रखते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो हीट को ज़्यादा देर तक कंज्यूम करके रखता है वो फूड आइटम को ज़्यादा देर तक गर्म करके रखता है इसलिए हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ यहाँ पर करते हैं सो वी डिफाइन इट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी बीटेन इंटू थीन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ की वह प्रॉपर्टी जिसको मेल्ट करके उसको पतली शीट में वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको मैलिएबिलिटी कहते हैं नाउ यू कैन सी इन दिस टेबल हियर मटेरियल्स मेटल्स फर्स्ट इज आयरन नेल आयरन नेल को यदिंग तो वो क्या हो जाएगी फ्लैट हो जाएगी देन कोल यदि कोल को भी हम हैमर से बीट करेंगे तो ब्रैक्स इन टू पीसेस वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा देन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को भी है वह फ्लैट हो जाता है शीट में कन्वर्ट हो जाता है देन पेंसिलेट पेंसिलेट जो ग्रेफाइड है वो भी क्या कर उसको भी हम हैमर से बीट करेंगे तो ब्रैक्स इन टू पीसेस तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको यदि हैमर से बीट किया जाता है तो वो स्मॉल पीसेस में ब्रेकडाउन हो जाते हैं और जो मेटल्स है उनको हैमर से बीट करने पर वो फ्लैट हो जाते हैं शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दीज आर द प्रोपर्टी ऑफ मेलियबिलिटी नाउ मूविंग ऑन डकटाइलिटी कन्वर्ट करना डू यू फाइंड ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स के यूज देखे हैं इनको कहा जाता है इनका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ये इजिली इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं हैव यू सीन वायर्स ऑफ कॉल क्या आपने कभी कॉल के वायर देखे हैं नहीं क्योंकि कॉल जो होता है वो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है इट इज एन इंसुलेटर सो हम कॉल के वायर्स नहीं बनाते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टाइलिटी मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसमें इसको वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है बिटेन करके क्या कहलाती है डक्टाइलिटी कहलाती है नाउ सोनोरस सोनोरस में मीन्स ऐसे मेटल्स जो बिटेन करने पर क्या करते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड करते हैं उन्हें हम सोनोरस कहते हैं हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट ए प्लेट मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कॉल क्या आपने कभी इन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साउंड uh, को नोटिस किया है यदि हम आयरन शीट को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो कैसा साउंड आएगा उसमें एक प्लेट को नीचे गिराएंगे तो कैसा साउंड आएगा या मेटल कॉइन को हम नीचे गिराएंगे तो कैसा साउंड आएगा और यदि हम कॉल के पीस को नीचे गिराएंगे तो किस टाइप का उसमें साउंड प्रोड्यूस्ड होगा तो ये प्रोड्यूस्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड देन हैव यू सीन वुडन बेल इन टेम्पल क्या आपने कभी मंदिर में लकड़ी की बैल देखी है नहीं क्यों क्योंकि जो वुड होती है वो सोनोरस नहीं होती वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है बट जो मेटल्स होती है वो आपस में टकराकर साउंड प्रोड्यूस्ड करती है इसलिए मंदिरों में हम मेटल्स uh, की बेल लगाते हैं द थिंग मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड ए रिंगिंग साउंड वेन स्ट्रक्ड हार्ड यदि हम मेटल्स को किसी हार्ड चीज से ठोकते हैं तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड होता है मेटल प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड दे आर सेट टू बी सोनोरस और ऐसी मेटल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड करती हैं, उन्हें हम सोनोरस कहते हैं I hope you have understood this topic if you have any doubt and question then you can write it on comment section thank you